बीजापुर में कांग्रेस काफिले में शामिल जिला पंचायत सदस्य के वाहन पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा का बयान आया है। गागड़ा ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बैरमगढ़ स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए गागड़ा ने कहा कि हमले के पीछे की वास्तविक तस्वीर बाहर आनी चाहिए। और कल जिस तरह से सत्ता दल के विधायक ने कहा कि उसके काफिला जाके गांगड़ा से वापस आता है और उसकी गाड़ी में काफिला में हमला होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं विचारने भी है और जांच का विषय भी है कि जब विपक्ष के लोग आरोपिक बात करते हैं या फिर आरोप लगाते हैं कि सरकार के द्वारा पुलिसिंग चीज़ के नाम नहीं हो रही है, ना आरोपी हो रहा है, ना गश्त हो रहा है, और गृह मंत्री तुरंत उसका खंडन करते हैं कि विधायक बिना सुरक्षा के गए थे, मना करने पर गए थे।